So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं. जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है ओजोनोसिस पार्ट टू, तो हमने आपको पार्ट वन लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा है. अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले आपको उस वीडियो को चेक करना है, तब जाके पार्ट टू समझ पाएगा. क्लियर? आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, तो ओजोनोसिस टॉपिक फुल कम्प्लीट करेंगे प्लस एनसीईआरटी की डिस्कशन भी करेंगे. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? चाहिए अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है ओजोनोसिस पार्ट टू, तो मैं एक दो पॉइंट पार्ट वन का भी बता दूंगी जो इस लेक्चर से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. क्लियर? ताकि आपको रिवाइज हो सके आराम से. ओवरी का शेप कौन सा होता है, किस शेप का ओवरी होता है? तो ओवरी जो होता है वो एलमंड शेप का होता है. किस शेप का होता है? एलमंड शेप. एक चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि कोई भी उंगलियां जो है वो हमेशा इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फॉर्म होता है. जब एक बार बच्चे का जन्म हो जाता है आफ्टर बर्थ, नो मोर उंगलियां आर फॉर्म इन ओवरी और एवरी. इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? मैंने कई बार इसके बारे में बता रखा है, तो क्या एक बार लिख लेते हैं? नो मोर उंगलियां आर फॉर्म्ड और एवर आफ्टर बर्थ. मतलब एक बार ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो कोई भी नया उंगलियां नहीं बनता है या ऐड किया जाता है ना. तो चीजें क्लियर हो गया? चलिए तो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए मैंने. अब जानते हैं कि बर्थ से पहले कितना उंगलियां रहता है, बर्थ के बाद कितना उंगलियां रहता है और प्यूबर्टी हिट करती है तब कितना उंगलियां रहता है, क्योंकि कोई भी उंगलियां बाद में नहीं बनता है. क्लियर? एक बार जो बन गया सो बन गया, हमेशा अमाउंट जो है उसके डिक्रीज होते जाते हैं. समझ में आ रहा है? क्या होता है, उंगलियां बनता नहीं है और कॉन्स्टेंट भी नहीं रहता है. जब आप बच्चे थे, जब मम्मी के बोन में थे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, तो सबसे ज्यादा उंगलियां पाया जाता है. फिर आपका जब बर्थ हुआ तो कम उंगलियां हुआ, फिर आप प्यूबर्टी हिट किए तो और कम हो गया उंगलियां. तो ये प्रोसेस कैसे चल रही है पहले आपको मैं लिखवा देती हूँ कि बिफोर बर्थ कैसा था, आफ्टर बर्थ कैसा था. क्लियर? देखो, बिफोर बर्थ की बात करें, यानी कि आप मम्मी, आपने मम्मी के होम में हो तब की बात करें, तो उस टाइम पे 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं. क्लियर? कितने पाए जाते हैं? 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स. इसी से आपको पता है बाद में ओवुलेशन होता है. तो हमने प्राइमरी फॉलिकल्स आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स किसको बोलते हैं. अगर कोई बच्चे भूल गए हो या याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे समझा देते हैं. 1 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल होगा, यानी कि सिंगल लेयर होगा, एक सेल के बाहर सिंगल लेयर पाया जाएगा ग्रैनुलोसा सेल का, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल हो जाएगा. ऐसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आ जाएगा और एक थीका लेयर डेवलप करेगा. आपको पता होगा सेकेंडरी फॉलिकल में थीका डिवाइड नहीं करता, एक्सटर्नल इंटरनल ये वाले डिवीजन नहीं होते, सिर्फ क्या होता है थीका का लेयर आता है. समझ में आया? टर्सरी फॉलिकल में क्या था, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल एंड एक और फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, दैट इज एंट्रा. तो मैंने आपको ऐसे ही बातों को रिवाइज भी करा दिया एक बार, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल. क्लियर? आप मुझे ये बताओ ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा लेयर आया था, दैट इज जोना पेनिनसुला. याद आ रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको याद आ रहा है. तो बिफोर बर्थ क्या था, कितना प्राइमरी फॉलिकल्स पाए गए थे, तो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख. समझ में आ रहा है? आफ्टर बर्थ यानी कि एक बार बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद कितना पाया जाएगा, एक बार जब बच्चे का जन्म हो गया तो क्या हो जाएगा, एट्रेशिया हो जाएगा, यानी कि सेल प्रोग्रामिंग डेथ. क्या हो जाएगा? सेल प्रोग्रामिंग डेथ, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रेशिया. आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, सेल प्रोग्रामिंग डेथ, अपने आप सेल्स का अमाउंट घटते घटते क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा. क्लियर? अब आप जब
प्यूबर्टी हिट करते हो, यानी कि अगर कोई गर्ल्स है वो 12 साल की उम्र में आती है तो प्यूबर्टी हिट कर उस टाइम में उसके पास कितना बचेगा, तो 4 मिलियन से पहुंचते पहुंचते 60 to 80 thousand बचता है। कितना बचता है? 60 to 80 thousand। तो क्या लिखेंगे? एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी कितना पाया जाता है? 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से घटते घटते कहां तक हमने पहुंच गए थे? 60,000 to 80,000। क्लियर? तो यहां भी क्या लिखेंगे? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। यहाँ पे सेल प्रोग्रामिंग देख, जिसको मैंने एट्रेसिया लिखा, यहाँ पे आप एट्रेसिया को पहले फॉलिकुलर एट्रेसिया लिखो। क्लियर? फॉलिकल्स का एट्रेसिया हो रहा है, यानी सेल में फॉलिकल्स का हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया फॉलिकुलर एट्रेसिया। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अभी सर वो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए, एक बार मेरे साथ ये याद करो, क्योंकि ये जो डेटा है ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कितना बचता है क्या, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरे साथ आपको क्या करना है, इसको याद करना है। पहले जब मदर के वोम में थे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, तो ये बनना स्टार्ट होता है, और ये बर्थ के बाद कभी भी नया नहीं बनेगा, इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है, कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता। क्लियर? तो जब हम लोग मदर के वोम में थे, बिफोर बर्थ कितना था? 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो कितना बचता है? That is, वहाँ पे तो सेल की डेथ हो जाती है, सेल का डेथ स्टार्ट हो जाता है, प्रोग्रामिंग डेथ होने लगता है, और घटते घटते जब प्यूबर्टी हिट करता है तो 60,000 to 80,000 बचती है। बस इतना सा डेटा था, आप इसको नोट डाउन कर दो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाती हूँ, अब आते हैं, मैं एक डायग्राम बनाऊंगी फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी, उसको आपको अच्छे से बनाना है, सब कुछ लर्न भी करना है। क्लियर? मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में बताया था, अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक अच्छा सा फर्स्ट पेज निकालना है, प्लेन पेज, जहां पे आप क्वेश्चन लिखे हो, और वहां पे पहले डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को बड़ा बनाना है ताकि आप अच्छे से सारे फॉलिकल्स को दिखा सको, और उसी डायग्राम में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स भी दिखा दूंगी, ये चीज़ एक प्राइमरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट है। क्लियर? चलिए, दिस इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से पहले वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये कन्वर्ट कर गया, ये स्ट्रक्चर कौन सा मैंने बनाया? एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल्स। क्लियर? व्हाट इज दिस? प्राइमरी फॉलिकल्स। आपको क्या दिख रहा है? एक लेयर दिख रहा है ग्रैनुलोसा सेल का, यहां पे लिख लेंगे सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, और इसके सेल्स को क्या बोलेंगे? प्राइमरी ओसाइट। जहां कहीं भी साइट वर्ड आए, स्पर्मेटोसाइट, साइट वर्ड यानी कि सेल्स। क्लियर? ये वाला सेल्स को क्या नाम देंगे? प्राइमरी ओसाइट। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे 1 degree = primary, 2 degree = secondary, 3 degree = tertiary। क्लियर? मैं इसी भी नोशन से यहां पर लिखवा दूंगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब प्राइमरी फॉलिकल्स के पास प्राइमरी ओसाइट है, वो किसने कन्वर्ट कर दिया? सेकेंडरी फॉलिकल्स। यहां पे क्या आया? बहुत सारा लेयर्स जो है वो ग्रैनुलोसा सेल का आ गया, एंड एक थीका का डेवलपमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा? मेनी लेयर्स ऑफ, ये बस रिकॉलिंग चल रहा है आपको, अब अभी ये नहीं पूछ रहा है कि मैम प्राइमरी ओसाइट्स कहाँ पे है, प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ पे है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया, ये अभी आपका रिवीजन चल रहा है, एक
डायग्राम के थ्रू, क्लियर? आपको सब कुछ याद होना चाहिए। चलिए, मेनी लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा सेल्स। यहाँ पे ये जो है ये भी प्राइम्यूसाइट है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया है, ये कौन सा लेयर आया है, पहली बारी थीका लेयर किसमें आता है, तो थीका लेयर फर्स्ट टाइम सेकेंडरी फॉलिकल में आता है, बट इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल थीका एंड इंटरनल थीका। यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, थीका का लेयर आता है, दिस इज द लेयर ऑफ थीका। क्लियर? चलिए, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। क्लियर? आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद किसमें डिवाइड करता है, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स गेट डिवाइडेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स। देखिए अब टर्शियरी फॉलिकल्स कैसा होता है इसको देखना है। आपको भी एकदम टाइम लेके अच्छे से लगेगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारा लेयर ग्रैनुलोसा सेल का आएगा एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंड्रोम भी आया था टर्शियरी फॉलिकल में। क्लियर? चलिए, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें नई बात आई इसमें, तो ये है फर्स्ट, ये तो किस चीज का डायग्राम है, दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। क्लियर? चलिए, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट दोनों एंड्रो। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, दो सेल्स में बढ़ जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा रहता है, छोटा रहता है, समझ में आ रहा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओसाइट, दिस इज द लेयर ऑफ एंड्रम। एंड्रम के लेयर में मैंने क्या बोला था कि दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हमने नाम दिया एंड्रम। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब थीका लेयर यहाँ पे डिवाइडेड है, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल। तो यहाँ पे आउटर वाला एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल, इनर वाला इनर तो इंटरनल। तो थीका एक्सटर्नल एंड दिस इज द लेयर ऑफ थीका इंटरनल। अब उस दिन याद करो मैंने बताया था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये तीनों जो फॉलिकल है दे आर इमैच्योर फॉलिकल, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई इन फॉलिकल्स में, जैसे आपको नहीं आई अभी तक। क्लियर? चलिए, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में अभी तक कोई मैच्योरिटी नहीं आई है, दे आर नॉट द मैच्योर फॉलिकल्स, दे आर द इमैच्योर फॉलिकल्स। मैंने अभी तक जितना भी डायग्राम बनाया है ये सब इमैच्योर फॉलिकल्स है, समझ में आ रहा है? अब आता है मैच्योर फॉलिकल्स, जिसका नाम क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब क्या आता है, दिस इज द लेयर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। किस चीज का लेयर है, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्लियर? तो व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि मैच्योर फॉलिकल। अगर कहीं पे भी लिखा रहेगा कि मैच्योर फॉलिकल है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो ग्राफियन फॉलिकल्स का बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ओसाइट आती है और ये अपने आप एक लेयर सिक्रीट कर लेती है, जिसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। क्या नाम है, एक बार और बोलना है आपको मेरे साथ, जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट रहती है एंड दिस लेयर इज नोन एज जोना पेलुसिडा। और यहाँ पे एंड्रम जो है वो फुल्ली डेवलप्ड है, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम था और इमेच्योर था, लेकिन यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल के पास आते आते एंड्रम जो है एकदम फुल्ली मैच्योर हो जाता है, दिस इज एंड्रम। अब जोना पेलुसिडा होता क्या है, तो ये नॉन सेंट्रल लेयर है, किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे जोना पेलुसिडा के बारे में, तो जोना पेलुसिडा आपको यहीं से कंटिन्यू कर
करना है, जॉर्नल पेंसिल मैंने जहाँ पे लिखवाया वहीं पे नीचे लिखना है। इट इज ए सेलुलर लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर, जो पेनिसिलिन जो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, उस ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम है ZP1, ZP2, ZP3। क्लियर, वो उसके बाद में आपको मेंशन नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मान लो हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, वो क्लियर हो गया, मतलब एकदम सही हो गया, मैच्योर हो गया सब कुछ ग्राफिन फॉलिकल से। इसके बाद क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट था यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस जनरेट हुआ एंड यहाँ पे क्या हुआ, दिस सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो बाहर आ गया। अब ये प्रोसेस कैसे बाहर आता है, क्या होता है, इसमें जो आप मैंने बताया ग्राफिन फॉलिकल में, इसमें और भी लेयर्स आते हैं, कोरोना रेडिएटा आता है, मेम्ब्रेनस लेयर आता है, तो ये सब मैं एक बार और, अभी क्या चल रहा है, ये तो आपको कल वाला रिविजन चल रहा है उसके बारे में मैं डेप्थ में बता रही हूँ, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो आप सिर्फ फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ो, अभी एक पार्ट इस टॉपिक का बाकी है, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि क्या से ओवल्यूशन हुआ है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर कैसे जा रहा है। ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो खुद बाहर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन। तो यहाँ क्या हुआ, ओवल्यूशन, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट का बाहर आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवल्यूशन। तो जोना पेनिसुला के बारे में आपने लिख लिया है, मैं इसको इरेज कर दूं, क्लियर, नो इशू। चलिए, अगर नहीं लिखे हो तो पीछे करके वीडियो को लिख लेना बाद में, क्लियर, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं इस प्रोसेस को यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज नोन एज ओवल्यूशन। अब देखो क्या होता है, इसके बाद कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश बॉडी में, ग्राफिन फॉलिकल था, मैच्योर था, मैच्योर हो गया, सेकेंडरी ओसाइट बाहर चली गई, ओवल्यूशन हो गया, तो बच गया वो, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम उसका नाम हो जाता है, येलोइश कलर। और यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्विकस। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉर्पस एल्विकस। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, कैसे मैंने सारा प्रोसेस लिया, कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। अब कई बच्चे पूरा समझने के बाद यही पता नहीं कर पाएंगे, मैं मेरे डायग्राम की शुरुआत कहाँ से था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखो मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, पहली बारी प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या हुआ, डिविजन हुआ, प्राइमरी ओसाइट्स बना, जिसको हमने प्राइमरी फॉलिकल्स बोला, प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स जो कि यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फॉलिकल दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी ओसाइट बाहर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्विकस में। पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इसकी प्रोसेस कैसे चल रही है, कैसे ओसाइट बाहर जा रहा है, कौन सा डिविजन हो रहा है, मेटाफेज वन में कैसे अरेस्ट हो रहा है, प्रोफेज वन में कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में, मैं इसको रिलीज करती हूँ। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक, आपको क्या करना है, डेली डेली सबको रिवाइज करते जाना, नहीं तो पूरा एक बार ही माइंड से वैनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो क्या प्रोसेस चल रहा है, एक मदर सेल है जिसको हमने नाम दिया उगोनिया। उगोनिया कैसा होता है, डिप्लॉइड, समझ में आ रहा है? इसमें क्या हुआ, करा दी माइटोसिस। अब माइटोसिस में और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, अगर 2n है तो बाद में भी 2n रहेगा, लेकिन मियोसिस रहेगी तो क्या होगा, 2n है तो बाद में n रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो
एग मदर सेल है वो गोनिया है, इसमें क्या हुआ माइटोसिस हुई, तो क्या बना प्राइमरी ओसाइट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइटोसिस था तो टूएन से टूएन में बन गया चल। अब देखो बिफोर बर्थ क्या होता है, बिफोर बर्थ अब बच्चे के जन्म लेने से पहले क्या प्रोसेस चलती है, तो यहाँ पे होता है बिफोर बर्थ जो होता है मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, क्लियर, बट अदर स्टेप इन प्रोफेज वन। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है, तो अगर वो टॉपिक अगर यहाँ बताने चले तो हमको 7 lectures लगेंगे उस टॉपिक को बताने में, क्लियर, तो उतना भी टाइम खराब नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको ये भी चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं आपको बस बता रही हूँ उसको याद करते चलो कि किसमें अरेस्ट होता है, नाम क्या होता है सेल डिवीजन का। समझ में आ रहा है, जैसे मियोसिस वन बोले तो आपको याद रखना है कि हाँ मियोसिस वन में ये अरेस्ट हो जाता है, चाहे ये बिगन होता है, क्लियर। इतनी चीज़ें आप याद रखो तो खुद ब खुद आप रिलेट करते चलना, लेकिन अगर अभी सेल डिवीजन मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत लेक्चर लगने वाले इस पर। समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर ऐसा है कि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप वन शॉट देख लो, क्योंकि आपने 11th में खराब कर लिया टाइम, तो अभी आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है इतना, चलिए। तो मैं क्या बोल रही थी, मियोसिस वन जो होता है वो बिगन हो जाता है बिफोर बर्थ। मियोसिस वन हैज स्टार्टेड बर्थ अरेस्टेड इन प्रोसेस वन। तो मैंने सिंपल लाइन लिखा, आपको ये याद रखना है कि मियोसिस वन जो है वो बिगर हो जाती है, लेकिन अरेस्ट किस में हो जाती है, यानी कि रुक जाती है प्रोसेस वन में। बच्चे के जन्म लेने से पहले एक बार मियोसिस वन स्टार्ट हुआ लेकिन अचानक रुक गया प्रोसेस वन में, यही इतनी बात थी। समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ तक नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे आता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स कैसे आते हैं। चलिए आपने इतना नोट डाउन कर लिया है, अब देखते हैं ये हमारी कब तक की कहानी हो गई, बिफोर बर्थ तक। समझ में आया, अब हम लोग आगे एट प्यूबर्टी क्या हो रहा है, तो आपको अभी तक याद रखना है कि बर्थ से पहले क्या हो रहा था, मियोसिस वन बिगन हुआ था लेकिन वो अरेस्ट हो गया था प्रोसेस वन में। समझ में आ रहा है ना, चलिए अब आते हैं एट प्यूबर्टी क्या हुआ। अभी तक क्या है अरेस्टेड है, प्रोफेस वन में अरेस्टेड है हमारी प्राइमरी ओसाइट्स, क्लियर, क्योंकि बिफोर बर्थ तक वही थी और प्यूबर्टी तक आते आते भी अरेस्टेड ही रहती है। समझ में आ रहा है, तो प्राइमरी ओसाइट क्या है, अभी तक अरेस्टेड है लेकिन प्यूबर्टी आने में क्या होता है, इस एज में प्यूबर्टी आया किसी लड़की में मान लो आ गया, तो इस टाइम पे क्या हुआ LH का सीक्रेशन और FSH का सीक्रेशन, यानी इन दोनों का हॉर्मोन्स का सीक्रेशन क्या होता है बढ़ने लगता है प्यूबर्टी हिट करते ही, क्लियर। तो इस टाइम पे क्या हुआ प्राइमरी फॉलिकल्स जो था प्राइमरी ओसाइट किसमें था, प्राइमरी फॉलिकल्स में। समझ में आ रहा है, तो देखो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में, क्योंकि देखो प्यूबर्टी हिट किया LH और FSH का सीक्रेशन बढ़ा तो प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट कर गया सेकेंडरी फॉलिकल्स में। समझ में आया, अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी क्या है, अभी हमारा मियोसिस वन रिज्यूम हुआ है, जो अरेस्ट हो गया था प्रोफेस वन में वो क्या हुआ है रिज्यूम हुआ है प्यूबर्टी हिट करते ही। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में मैंने क्या बताया, मियोसिस वन जो है वो रिज्यूम कर दी हुई है, तो यहाँ पे और क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, क्यों होता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में और क्या लिखेंगे, एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है इट स्टार्ट सिक्रीटिंग, एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्ट रिलीजिंग। अब ये क्यों रिलीज किया जाता है इस टाइम पे, ताकि एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो स्टार्ट हो जाए फॉर्म करना। अब आपको तैयार भी तो करना होगा एंडोमेट्रियम के लेयर को, अब मैंने आपको बताया था जब मैंने यूट्रस पढ़ा रही थी एंडोमेट्रियम लेयर क्यों करता है फॉर्म होता है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, क्लियर, फर्टिलाइजेशन के लिए एंडोमेट्रियम लेयर होना जरूरी है।
यहाँ पे क्या हुआ, एट प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे LH हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा, FSH हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा, तो प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने लगा, समझे। सेकेंडरी फॉलिकल्स बना तो इस दौरान क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ये क्यों बनता है, रिलीज होता है ताकि एंडोमेट्रियम का जो लेयर है उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो सके, स्टार्ट बिल्डिंग हो, क्लियर है। तो एंडोमेट्रियम लेयर स्टार्ट्स फॉर्मिंग। भैया रेडी भी तो करवाना है, कहीं फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहां पे इम्प्लांटेशन को भी तो चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तैयार किया जाता है हमेशा, क्लियर। एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो बनावट जो होता है उसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही अगर नहीं आता स्पर्म, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो सारे लेयर टूट के बिखर जाती है, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्लियर। चलिए अब सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होगा, टर्सरी फॉलिकल्स में। और टर्सरी फॉलिकल्स में पहली बार क्या हुआ था, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और एंड्रम, क्लियर। एंड्रम भी पहली बार किस में दिखाई दिया था, टर्सरी फॉलिकल्स में। चलिए अब किस में आ गए, मैं इसको मिटाती हूँ, आप रहे हो आप लोग लिख रही होंगे ना, अगर नहीं लिखे हो तो आप वीडियो को पॉज कर लो, या फिर मैं आगे चल गई हूँ तो आप पीछे करके लिख लो। चलिए अब क्या हुआ, टर्सरी फॉलिकल आ गया, टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल में मैंने आपको बाकी चीजें तो लिखवा दी है, फॉलिकल से रिलेटेड ये सारी चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो ऊसाइट आते हैं, एक सेकेंडरी ऊसाइट, समझ में आ रहा है, और एक आता है फॉस्टिनी पोलर बॉडी, समझ में आ रहा है। मैंने आपको वहां पे लिखवाया था 1 डिग्री हैशटैग 2 डिग्री ऊसाइट स्लैश, सॉरी हैशटैग नहीं है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री ऊसाइट। तो ये मैं क्यों लिखवाई थी, एक बहुत बड़ा ऊसाइट होता है और एक सबसे छोटा ऊसाइट होता है इस दौरान में, उसके बारे में समझते हैं। चलिए तो टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस वन हैज कंप्लीटेड, जो रिज्यूम हुआ था सेकेंडरी फॉलिकल्स में वो टर्सरी फॉलिकल्स तक आते आते पूरा कंप्लीट हो जाता है। इतना बात क्लियर हो रहा है, कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें क्या हुआ, तो प्राइमरी ओसाइट है, ये किस में डिवाइड कर जाता है, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स तक तो ये प्राइमरी ओसाइट था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये डिवाइड कर जाता है एक बड़ा ओसाइट और एक छोटा सा टाइनी ओसाइट। यहाँ पे इस डिवीजन को क्या बोला मैंने, ये डिवाइड हो जाता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बहुत बड़ा भी बच जाता है और एक बहुत छोटा भी बच जाता है। तो बड़ा वाला जो होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट, क्या नाम देंगे, सेकेंडरी ओसाइट। और दिस इज अ टीनी पोलर बॉडी। अब हम लोगों ने इसको क्यों नहीं माना ओसाइट और इसको क्यों माना ओसाइट, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये न्यूट्रिटिव होता है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोलर बॉडी, क्लियर। इसमें क्या होता है सेकेंडरी ओसाइट में, इट हैज हाई न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिएंट लिख लो, न्यूट्रिएंट वैल्यू। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बताओ टर्सरी फॉलिकल्स किस में जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में। अब ग्राफियन फॉलिकल्स का एक अच्छा सा डायग्राम बनेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे नोट डाउन करानी है। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकस, हमारा ओजेनेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया। तो आप इतनी चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स पे। अब हम लोग आते हैं दैट इज ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल्स। इसी प्रोसेस में क्या होता है, ओवल्यूशन होता है, समझ में आया। चलिए यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ
जोना पेनिसुला. जोना पेनिसुला इज अ लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन जिसको ZP1, ZP2, ZP3 इस लेयर से बना होता है. जोना पेनिसुला दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ए सेलुलर लेयर. समझ में आ रहा है? इतनी चीजें आपको बहुत इजी इजी पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ. समझ में आ रहा है ना? है ना? आपको मुझे कमेंट में बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कौन सा डाउट है. चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन यहाँ पे रेस्ट वाला फेज आता है. मियोसिस टू में ये अगेन रेस्ट हो जाता है. सेकेंडरी ओसाइट जो है इट गेट अरेस्टेड इन मियोसिस टू ऑफ मेटाफेज टू. अब कई बच्चे को यही समझ में आएगा मैम, मियोसिस वन, मियोसिस टू, मेटाफेज वन, मेटाफेज टू. तो ये आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा. समझ में आ रहा है? चलते हैं. तो क्या लिखना है हियर? सेकेंडली ऊसाइट गेट्स अरेस्टेड इन मियोसिस टू ऑफ मेटाफेज टू. मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस टू, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज टू. तो ये वाला जो पोर्शन है सेकेंडरी ऊसाइट, ये कब अरेस्ट होता है? तो मियोसिस टू ऑफ मेटाफेज टू याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इस पे. समझ में आ रहा है? चलिए तो मैंने क्या बोला, सेकेंडरी ऊसाइट गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू. इन मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू. अब यहाँ पे ओवोल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि ये यहाँ तक आते आते ये क्या हो चुका है, मैच्योर फॉलिकल. तो मैच्योरिटी आते आते तक सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवोल्यूशन. रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवोल्यूशन. तो इसी दौरान क्या होता है, ओवोल्यूशन होता है, यानी कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवोल्यूशन. यानी कि ओवा का रिलीज होना, सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होना, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर जाना क्योंकि मेच्योरिटी आ चुकी है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन बोलते हैं. अब इसके बाद आपको पता है ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाता है, एक येलोइश स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट तो जा चुकी है. तो यही बात हो जाती है. इसके बाद क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकस. तो उसके बाद हमें लिखेंगे. अब हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर कॉर्पस ल्यूटियम पे जाते हैं. क्लियर? दैट इज ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक में. तो चलिए उसका डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. अब हम लोग बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम. व्हाट इज दिस, दिस इज थीका एक्सटर्ना. अभी तक मैंने तीन चार बार ही डायग्राम बना लिया था कि आपको याद हो जाए. क्लियर? थीका इंटरना, दिस इज अ लेयर ऑफ मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. यहां पे आता है सेकेंडरी ऊसाइट एंड दिस इज द लेयर ऑफ जोना पेनिसुला. यहां पे कुछ क्या होता है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स. इसको नाम दिया जाता है कोरोना. अब कोरोना सुन के कोई और चीजें याद आ रही होगी, कोरोना वायरस वो नहीं है, कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा ये क्या होता है, तो ये होता है इलोंगेटेड सेल्स. कोरोना रेडिएटा यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई भी स्ट्रक्चर बहुत इजीली नहीं है. क्लियर? सब कुछ का ही फर्टिलाइजेशन टॉपिक में आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंस है कोरोना रेडिएटा का, जोना पेनिसुला का. समझ में आ रहा है?
इसका नाम आप याद नहीं रखोगे फिर भी काम चल जाएगा, क्यूमुलस ओफोरस होता है, बट इट्स नॉट इन योर एनसीईआरटी, तो आप इसको नहीं याद करोगे फिर भी चलेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था हमारे ग्रेफियन फॉलिकल का। इसके बाद क्या होता है, अब मैंने जो आपको प्रोसेस बताया ओवोल्यूशन, क्योंकि एलएच का सीक्रेशन बढ़ रहा है तो क्या होता है, स्कैम्बियोसाइट जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, तो स्कैम्बियोसाइट रिलीज कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आ रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाई, बिकॉज़ द स्कैम्बियोसाइट गेट्स रिलीज्ड ऑफ, दैट्स व्हाई इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब क्या लिखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या करूंगी मैं, कॉर्पस ल्यूटियम यहां पे आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी, और हियर कॉर्पस एल्बिकस। चलिए अब पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। हमने ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट कर लिया है, ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है, येलोइश बॉडी। इसके बाद में चार पांच पॉइंट है, बस उतना ही याद रखना है आपको, क्लियर। येलोइश बॉडी होता है, मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, एलएच हार्मोन। इट गेट्स मेंटेन बाय एलएच हार्मोन्स, एलएच हार्मोन। और ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये तो पहली बात एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है, इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड अस्तित्व में होता नहीं, बस उसकी तरह जैसा वो बिहेव करता है एंडोक्राइन ग्लैंड उसी की तरह से ये भी एक्ट करता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन को ये रिलीज करता है, तो आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, रिलैक्सिन। ये चार हार्मोन्स के बारे में आपको याद रखना है क्या क्या है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, रिलैक्सिन। इनहिबिन क्या एक्ट करता है, तो इनहिबिन के बारे में मैं एक लाइन आपको लिखवाऊंगी, वो लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इससे ना जाने कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपको। मैंने पढ़ाया है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पढ़ाया है मैंने, तो इनहिबिन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम आता है, क्या करता है, निगेटिव फीडबैक। अब किसी को याद नहीं आ रहा होगा कि मैम निगेटिव फीडबैक आपने कब पढ़ा दिया, क्या किया, तो आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना है, ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर टू नहीं देखा फाइव पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि इनहिबिन जो है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। उसके बाद एक लाइन आपको याद रखना है इनहिबिन के बारे में, ये क्या करता है, तो इट गेट रिलीज बाई ग्रैनुलोसा लेयर्स। तो इनहिबिन में एक क्वेश्चन जो वीवीआई है नीट में आ चुका है वो क्या है इनहिबिन के बारे में, तो वो लिखेंगे इनहिबिन के बारे में वीवीआई क्वेश्चंस क्या है, कि इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन, ये मैंने क्या बताया, इनहिबिन जो हार्मोन है ये किससे रिलीज किया जाता है, इनहिबिन हार्मोन गेट्स रिलीज बाय लेयर्स ऑफ, लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा। मैंने आपको बताया कि सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल है, ये जो लेयर्स है, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी, सही है। चलिए अब कॉर्पस एल्बिकस, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, ये मेंटेन रहता है एलएच हार्मोन के द्वारा। अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन जैसी कोई भी चीज़ें नहीं हुई, तो क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकस। ये कैसे है, वाइट स्कार्स लाइक बॉडी,
यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो एक फीमेल है उसके अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, वो प्रोसेस कैरी आउट हो जाएगी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजेनेसिस के बाद क्या आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती मतलब नहीं होगा कोई भी मंथ में, अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं, हार्मोन के डिसबैलेंस या कोई और रीजंस, और एक रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी, क्लियर। फर्टिलाइजेशन का हो जाना उसमें भी क्या होता है पीरियड्स नहीं आते हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकंस। तो इतनी चीजें आप लिख लोगे खुद से। चलिए तो हमारा पूरा ओजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कराती हूँ कौन सी चीजें क्या दे रखी है, क्लियर। सो चलिए आपको क्या करना है, पेज नंबर एनसीईआरटी की पेज नंबर 48 निकालना है और मेरे साथ एक बार पूरा लाइन टू लाइन रीड करना है, क्लियर। और उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, पूरे नोट्स को स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से रिवाइज करना है और एनसीईआरटी को 2 times पढ़ना है, तब पूरी चीज़ें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट माइंड में कैप्चर करेंगे, जिस वे में मैं पढ़ाया आपको उसी वे में याद रहेगा, समझ में आया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे एक चीज़ें बताओ, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा, वो बताओ वो कंटिन्यूस प्रोसेस था कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस था। तो आप लोग का आंसर आ गया होगा अब तक कि मैम वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस था, वो कभी डिसकंटिन्यूस हुआ ही नहीं। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ ओजेनेसिस की, ओजेनेसिस क्या कंटिन्यूस है? नो, ओजेनेसिस इज डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि आप देख रहे हो पहली बार मियोसिस फर्स्ट होती है फिर एरेस्ट हो जाती है प्रोसेस वन में, है ना, बिफोर बर्थ, उसके बाद फिर प्यूबर्टी हिट करते ही वो चीज़ें कैरी आउट होती है फिर एरेस्ट हो जाती है। ये क्या हुआ, एकदम सीक्वेंस में नहीं जा रहा है, कभी चल रहा है फिर रुक रहा है फिर चल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। क्लियर हो गया, चलो अब मेरे साथ आपको लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज नोन एज ओजेनेसिस विच इज मल्टीपली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस बोथ आर टू डिफरेंट प्रोसेस, दैट इज करेक्टली वी हैव मेंशन इट। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gametes mother cells oogonia form within each fetal ovary, no more oogonia form or adult after birth. मैंने आपको बता दिया कि बर्थ से पहले ही 4 million oogonia बन जाते हैं, उसके बाद ना तो oogonia बन सकता है और ना ही ऐड किया जा सकता है, क्लियर। चलो these cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at that stage and called primary oocyte. मैंने आपको बताया है प्राइमरी ओसाइट में क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेस 1 में, वो अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में, वो बिगिन करते हैं और प्रोफेस 1 आते आते अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। चलिए each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and it's called primary follicles. प्राइमरी ओसाइट एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से अगर सराउंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स रीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब ये फेज क्योंकि चलता है तो हमारे जो फॉलिकल्स है उसका नंबर डिक्रीज करते जाता है, तो कहाँ तक पहुँचता है 60,000 to 80,000। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स रीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, therefore at puberty only 6,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. इतना भी तो पूरा लाइन क्लियर है आपको पॉइंट टू पॉइंट, एंड मैं ये मान के चल रही हूँ, समझ में आ रहा है। The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and then a new theca and called secondary follicles. Primary follicles क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे granulosa cells के layer आने लगते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, secondary follicles में, और सेकेंडरी फॉलिकल्स में एक और लेयर डेवलप करता है थीका लेयर। मैंने आपको बताया गोला स्ट्रक्चर दैट इज थीका लेयर, वो डिवाइडेड उस टाइम तक नहीं रहता है। चलिए द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल कैविटी कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम पहली बार किस में आता है, टर्शियरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल्स विल कन्वर्ट इनटू टर्शियरी फॉलिकल, फर्स्ट टाइम एंट्रम भी वहीं पे ही
इंटरनल एंड आउटर थीका एक्सटर्नल। और टर्सरी फॉलिकल में फर्स्ट टाइम थीका लेयर डिवाइड करते हैं थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट नॉटल डिवीजन। मैंने आपको बताया सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, वो जो अरेस्ट हो गया था प्रोफेस वन में प्राइमरी ओसाइट वो क्या होता है रिज्यूम होता है। तो मियोसिस वन गेट्स रिज्यूम इन सेकेंडरी फॉलिकल्स, लेकिन वही चीज है टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है। उसी चीज के बारे में बात कर रही है। और उसके बाद मैंने बताया आपको सेकेंडरी ओसाइट दो में बढ़ जाती है, एक तो सेकेंडरी ओसाइट होता है बड़ा वाला स्ट्रक्चर क्लियर, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर दैट इज स्टेनी पोलर मॉडल में हो जाता है। द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स। तो मैंने आपको बताया, मैं अभी शायद मैंने आपको ये बता दिया कि सेकेंडरी ओसाइट इज डिवाइडेड इनटू टू, नहीं प्राइमरी ओसाइट इज डिवाइडेड इनटू टू, मैंने अच्छे से समझाया। अभी मैं बोलने में मेरे टंग को स्लिप हो गया है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना क्लियर, मैंने समझा अच्छे से दिया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉन्ड बॉन्ड आउट ऑफ फर्स्ट न्यूट्रिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट। आपको आंसर करना है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी क्लियर, कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना वो क्या न्यूट्रिक डिवीजन में फर्दर डालता है, फर्दर क्या क्या करता है या डिजेनरेट करता है, आपको सोच के बताना है इसका आंसर। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स में। Secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida surrounding it. The graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from ovary by the process called ovulation. Graafian follicle mature follicle है, तो उसी दौरान क्या होता है ovulation होता है, क्योंकि अंडे का secretion बढ़ते रहता है, है ना? Can you identify major difference between spermatogenesis and oogenesis? आपको स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में पूरा कंप्लीट डिफरेंसेस पता होना चाहिए, ओजेनेसिस में क्या चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या है डायग्राम बनाया जा चुका है, तो ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ये प्रोसेस आज मैंने कंप्लीट कर दिया कि फीटर लाइफ में क्या होता है, फिर प्यूबर्टी हिट करती है, फिर क्या होता है और अडल्ट बनते हैं तब क्या होता है। सेम प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप इसको एक बार चेक कर लेना देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, आपको क्या करना है एनसीईआरटी की दो बार रीडिंग लगानी है और नोट्स को स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो हमारा ओजेनेसिस टॉपिक फुल कंप्लीट होता है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आए।